तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक किया था? हम लोगों ने यहाँ तक सारे फंक्शन डाल दिए थे, जैसे साइन, कॉस, टेन, इसके बटन्स डाल दिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बटन्स पे, जैसे होवर इफेक्ट, अभी देखो इस पे काम नहीं कर रहा है। तो होवर इफेक्ट्स को काम कराने के लिए तो अभी हम लोग इसकी बाइंडिंग कर देंगे। बाइंडिंग करने के बाद होवर इफेक्ट्स काम करने लगेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पे बाइंडिंग करेंगे, होवर इफेक्ट वर्क करेगा, उसके बाद इसका लोगो चेंज करेंगे, उसके बाद इसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग चलते हैं इसका बाइंडिंग करने, साइन, कॉस, टेन, स्क्वायर रूट और लॉग का। तो हम लोग इसकी बाइंडिंग करते हैं। तो बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग सारे बटन्स की बाइंडिंग किए हैं। बाइंडिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे btn साइन डॉट बाइंड इंटर कॉमा ऑन अंडर स्कोर इंटर साइन कर दिए, फंक्शन बना देंगे इंटर साइन नाम से, btn साइन डॉट बाइंड। अब लीव का कर देते हैं, लीव ऑन अंडर स्कोर इंटर साइन ऑन अंडर स्कोर लीव साइन, सॉरी लीव साइन हो गया, ऑन अंडर स्कोर लीव साइन, ये साइन के लिए हो गया। उनको ऐसे ही कॉस टेन के लिए बनाना है, कंट्रोल वी कॉस के लिए, कॉस टेन, स्क्वायर रूट और लॉग के लिए। सबकी वैल्यूज हम लोग चेंज कर देते हैं, अब ऑल्ट का यूज़ करते हैं। साइन है, ये साइन है, साइन के बाद आ जाएगा यहाँ कॉस, कॉस के बाद यहाँ पे आएगा टेन, टेन एसक्यू आर टी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और देखो ये जो मैं मल्टीपल कर्सर एक साथ कर रहा हूँ, ये ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ हमें करना है वहाँ वहाँ कर सकते हैं। और ये रहा लॉग, ये रहा लॉग, हमारी बाइंडिंग तो हो गई। अब बाइंडिंग बाद हमें फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शंस बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, स्क्वायर रूट और लॉग के लिए। यहाँ से हम लोग किए थे ऑन इंटर साइन करते हैं, ऑन इंटर साइन, ऑन इंटर यानी साइन के बाद आएगा हमारा कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद आएगा हमारा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाद आएगा हमारा लॉग। क्योंकि बाइंडिंग तो हो गई, अब वर्क करना चाहिए। बाइंडिंग होने के बाद ये देखो सब पे होवर इफेक्ट्स काम कर रहे हैं। हम लोग को इसको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ऑपरेशन परफॉर्म कराने से पहले हम लोग इसका लोगो चेंज कर देते हैं। लोगो चेंज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है आइकॉन बिट मैप। इसमें पहली बात, लोगो हमें चेंज करना है तो हमें बस डॉट आई सी ओ फाइल से लगेंगी। जैसे देखो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक लोगो फाइल है मेरे पास, यहाँ से डॉट आई सी ओ फाइल मैंने कॉपी किया है, कॉपी कर ले रहा हूँ इसे, कॉपी करके मैं इसे डाल दे रहा हूँ अपने इसमें, अरे सॉरी मैं देखो पहले से ही डाला हूँ मैं इसे, डॉट आई सी ओ फाइल मेरे में है। तो यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी कर सकते हैं, इंटर कर दिया, ओवरराइट कर दिया, ये मेरा कैल डॉट आई सी ओ हो गया। याद रखना हमें अगर आइकॉन हमें लगाना है तो यहाँ पे डॉट आई सी ओ फाइल ही लगेंगी। अगर आई सी ओ फाइल आप लोगों को डाउनलोड करना है जिस पर, तो सिंपल से जाना गूगल पे जाके सर्च करना डॉट आई सी ओ लोगोज, डॉट आई सी ओ लोगो। तो सिंपल से पहली लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करना और उस पर सर्च बॉक्स होगा, सर्च बॉक्स में जिस तरीके का लोगो चाहिए, जैसे कि म्यूज़िक के लिए चाहिए, कैलकुलेटर के लिए चाहिए, हाउस के लिए चाहिए, ई बुक के लिए, कॉल रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए या फिर गेम के लिए चाहिए, उस पर सर्च करना गेम, वो आ जाएगा सारे, एप्पल है, लैपटॉप है, सबका लोगो होगा वहाँ पर। तो करना आ जाना, मैं कैलकुलेटर का सर्च किया, कैलकुलेटर का आ गया। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्क्रीन डॉट आइकॉन बिट मैप, स्क्रीन डॉट आइकॉन बिट मैप, आइकॉन बिट मैप में कैल डॉट
आईसीओ, मैं असल में अपने पायचामी फाइल में ही रखा हूँ, तो इसीलिए मुझे इसका पाथ नहीं देना पड़ रहा है। अगर मैं और कहीं पे रखा होता तो पाथ देना। देखो यहाँ पे जैसे लोगो आ गया, मेरा लोगो आ चुका है। अब लोगो के बाद हमें साइन, कॉस, टेन और स्क्वायर रूट के वर्क को काम कराना है। तो वर्क, इन सब के काम कराने से पहले हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं। देखो जैसा कि ये हमारा है, इस पर हम लोग 8 है 5 है, इसको कैंसिल करो। देखो 0 एंड 1 प्लस 0 और 1, इसे इक्वल टू कर रहे हैं, तो एक नोटिफिकेशन आया, ट्राई अगेन, समथिंग इज़ रॉन्ग। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो हम लोग इवेल फंक्शन का यूज़ किए हैं, तो इवेल फंक्शन में ज़्यादा मैथमेटिकल फंक्शनलिटीज़ नहीं होती। ये काम क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को ही कन्वर्ट करता है इंटीजर में और उसका कैलकुलेशन करता है। तो अब 0 को ये नहीं लेता, किस लिए लेते हैं मुझे नहीं पता। अगर हम लोग आगे इस प्रोजेक्ट को और अगर मॉडिफाई करते हैं तो मैं बनाऊंगा इसे आगे चल के, मतलब कि इसके सारे फंक्शन इवेल फंक्शन का ना यूज करके, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबके लिए एक एक अलग अलग फंक्शन बना दूंगा। तो ये अपना जो ये इसमें कमी है दूर हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी इसकी प्रॉब्लम। तो अभी के लिए मैं तो इसमें लगा दिया हूँ ये नोटिफिकेशन ही, कि अगर मान लो कोई कर रहा है, पता नहीं है, तो आ गया ट्राई अगेन, समथिंग इज़ रॉन्ग। अब इतना करने के बाद अगर देखो कुछ है भी नहीं, अगर हम लोग इक्वल टू कर रहे हैं तो भी आ जाएगा ट्राई अगेन, समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो इक्वल कहाँ से करोगे। साइन पे भी वही होगा काम, ट्राई अगेन, क्योंकि कुछ हम लोग वैल्यू देंगे तब ना साइन निकालेगा। अब देखो 58 की साइन वैल्यू निकाल दिया, अब हम लोग इसे कैंसिल किए हैं, 25 की साइन वैल्यू निकाल दिया, कॉस 10 निकालना है हमें, 10 निकल गया। तो ऐसे अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं देंगे तो इधर तो आना ही चाहिए, तो आ गया ट्राई अगेन, समथिंग इज़ रॉन्ग, इक्वल टू पे भी हो रहा है। तो हम लोग पहले इसे लगाते हैं। इसे लगाने के लिए हम लोग को टिक एंटर मैसेज बॉक्स होता है, ठीक है। देखो हम लोग इक्वल टू कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, इरर आ रहा है, 0 1 प्लस 0 1 कर रहे हैं तो इरर आ जा रहा है नीचे। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे। देखो अब जैसे हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम टिक एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, कर लिया मैसेज बॉक्स, इक्वल टू के फंक्शन पे हमारा है ना, तो इक्वल टू पे देखो हम लोग ऑपरेटर लाए, यहाँ पे ट्राई लगा देते हैं, ट्राई, ये ट्राई करेगा, अगर इतना ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तब तो बढ़िया है, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद काम कर जाएगा। अगर कोई भी एरर आ रहा है, ट्राई एक्सेप्ट का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो जाके एक बार नेट से पढ़ लेना ट्राई एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब एक्सेप्ट किया, अब अगर देखो ये एक्सेप्ट जब कर रहा है तो हम लोग यहाँ सिंपल से दे सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट सो इन्फो, सो इन्फो दे सकते हैं, पहले में आएगा नोटिफिकेशन दे देंगे जो वैल्यू जो हम लोग पास करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन, और दूसरे में हम लोग डाल देंगे जो हमारा मैसेज रहेगा। मैसेज क्या है हमारा, ट्राई अगेन, समथिंग इज रॉन्ग हियर। अब देखो हम लोग इसे रन कराते हैं, इक्वल टू करने पे देखो आ गया ट्राई अगेन, समथिंग इज रॉन्ग हियर, आ गया ना। अब देखो ये जो आ रहा है बाहर आ रहा है ना, इसके लिए एक और वैल्यू होती है, आई थिंक वो मुझे सही से पता नहीं है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ मास्टर इक्वल टू, मास्टर इक्वल टू कर देता हूँ मैं स्क्रीन। अब देखो काम करता है ये, यहाँ देखो इक्वल टू किया, देखो इक्वल टू करने पे ये आ रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मास्टर हमको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हटा देते हैं, पेरेंट लगा सकते हैं, PAR ENT पेरेंट इक्वल टू स्क्रीन कर देते हैं, पेरेंट इक्वल टू स्क्रीन करने पे देखो हाँ पेरेंट स्क्रीन करते हैं, जैसे इसे अगर हम लोग जब तक इसे हटाएंगे नहीं ये हटेगा नहीं। तो आ गए हमारी सारी वैल्यूज़ काम कर रही हैं, अभी हम लोग ये साइन पे भी लगाएंगे, कॉस पे भी, टेन पे भी, स्क्वायर रूट पे, सब पे लगाएंगे। और जैसे ये प्लस हुआ तो प्लस तो आ ही जाएगा, देखो समथिंग इज़ रॉक, क्योंकि प्लस है तो इक्वल टू क्या करेगा वो, तो इतना कर दिया, 5 6 प्लस 3 2 3 3 कर देते हैं, इसे देखो परफॉर्म कर रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएंगे उसे कर देगा। जैसे 0 1 हम लोग कर दिए, प्लस 0 1 इक्वल टू, देखो ट्राई अगेन, समथिंग इज रॉक, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू लेगा उसके फ्रंट में 0 नहीं लेगा, 0 से कौन सी वैल्यू स्टार्ट होती है, 0 ऐसे ही लगा देते हैं हम लोग, तो यही है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग साइन, कॉस, टेन, स्क्वायर रूट, इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, मतलब इन सब के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे।